सोलन में राजगढ़ रोड पर सड़कों के किनारे नालियों को ढकने के लिए लगाई गई एंगल लोगों के लिए मुसीबत का कारण बनती जा रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एंगल रखरखाव की कमी की वजह से बीच बीच से टूट चुकी है। आने जाने वाले राहगीरों के पांव इनमें फंस जाते हैं और वे इस कारण गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। यहाँ तक कि इन एंगल्स में इतना ज्यादा गैप है कि आते जाते वाहनों के पहिए भी इसमें फंसने लगे हैं, जिसके चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर परिषद को इस बारे में कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। राजगढ़ रोड के व्यवसायियों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि नालियों को ढकने के लिए जो प्रबंध नगर परिषद ने किए थे वे उनके लिए भारी सिरदर्द बन चुके हैं, क्योंकि जो नालियों को ढकने के लिए जो एंगल लगाए गए थे वे बीच बीच में टूट चुके हैं। उनमें आते जाते लोगों के पांव फंस रहे हैं और यहाँ तक कि कई बार वे इस कारण गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं। आते जाते वाहनों के टायर भी इनमें फंस जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार लंबा जाम भी लग जाता है। एक युवती कई वर्ष पहले इन एंगल्स में फंसकर बुरी तरह से घायल हुई थी, जिसकी वजह से ऑपरेशन तक करवाना पड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति जस की तस है। शहरवासियों ने मांग की है कि नगर परिषद इस मामले में तुरंत कार्रवाई करे और इनकी में रहते मुरम्मत करवाए। इस समस्या प्रशासन से पहले भी हम दो तीन बार बोल चुके हैं कि इसको कवर किया जाए, बंद किया जाए, पर अभी तक कभी भी बंद नहीं हुई है। और इसमें गाड़ियां भी बहुत गिर चुकी हैं, दो तीन बार तो यहीं पे गिर चुकी, कई के पैर भी अंदर जा चुके हैं, टांगे भी चोट लगी है, इसलिए इसको बंद किया जाए। ढकने के लिए जैसे अब ये लोहे की जालियां पहले भी लगी थी इसमें, अब वो निकाल दियो, दोबारा तो लगाई नहीं, ये तो हमने खुद लगवाई है अपने आप ना, थोड़ी बहुत जो दुकान के एक एक आगे लगी है। हाँ जी, उन्होंने आज दिन तक कभी नहीं लगाई है, बना के नालियाँ ऐसी खुली छोड़ दी हैं। फिसलने का भी खतरा है, बारिश में फिसलने का है, बच्चे भी कई बार गिर जाते हैं इसमें, क्योंकि आने जाने में दिक्कत तो है ही है ना जी, बहुत ज़्यादा। मेरे फ्रंट में भी नालियाँ बनी हुई हैं, ये जो नालियाँ बनी हुई हैं सही ढंग से नहीं बनी हुई हैं, क्योंकि इन नालियों में गैप दिया गया है। जब लोग पैदल चलते हैं ना तो ये काफ़ी यहाँ गिरते हैं, हमने कई बार कई लोगों को यहाँ गिरते हुए देखा है। मैं प्रशासन से यही कहता हूँ कि इन जो नालियों को जो है वो ढकने का प्रबंध किया जाए और इन्हें अच्छी तरह मेंटेन किया जाए। इस समस्या तो बहुत है, काफ़ी हमने भी कई बार देखा, हमें भी कई समस्या आती है कई बार गाड़ी का, यहाँ इन जो आपकी जो नालियाँ हैं इनमें जो ढकने का जो प्रबंध किया गया है उनमें गैप दिया हुआ है, तो इस गैप की वजह से एक्चुअली प्रॉब्लम ये आती है ना कि कई बार यहाँ गाड़ियों के टायर फंस जाते हैं, जिससे जाम की स्थिति बन जाती है। हमने भी अपनी कई बार ये नालियाँ अब जो है वो रोड से काफ़ी नीचे हो गई हैं, रोड काफ़ी ऊपर हो गया है, तो उसमें भी ये दिक्कत क्रिएट होती है कि हमने अपने बाइक वगैरह या वाहन निकालने हो तो अभी हमें बड़ी मुश्किल क्रिएट होती है। तो मैं तो प्रशासन से यही चाहता हूँ कि इन्हें अच्छी तरह से ढका जाए, इनको अच्छी तरह से मेंटेन कर दिया जाए, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना रहे। मैं प्रशासन से एक यही मांग करूंगी कि वो इसको प्रॉपर तरीके से, जो उसमें गैप है नालियों में, जो लोहे की जालियां हैं उसमें जो गैप आया है उसको सही से भर दें, ताकि आगे आने वाले समय में किसी भी अन्य व्यक्ति को इन परेशानियों का सामना ना करना पड़े।